राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। ये देखिए, आज आपके साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट शेयर कर रही हूँ, जिसकी खूबसूरती उसकी लीव्स की वजह से होती है। ये जो प्लांट है, इसकी केवल जो लीव्स है उसकी ग्रीनरी ही उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती है। एस्पेरेगस, या आप इसे जो नॉर्मल आम जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं नहर काटा, वो ये प्लांट है। बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है, आप कैसा भी इसको शेप दे सकते हैं और अपने गार्डन में जो है वो खूबसूरती से इसको रख सकते हैं। देखिए, हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत परफेक्ट प्लांट है। जब इसकी ये बड़ी बड़ी ब्रांचेज निकलती है जो कि नीचे की तरफ हैंग करती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और उसके अलावा आप इसकी कटिंग करके इसकी टॉपियरी भी बना सकते हैं, जिस तरीके से शेप में आप चाहें इस प्लांट को रख सकते हैं। अब अगर मैं सॉइल मिक्सचर की बात करूं तो देखिए, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर इस प्लांट को चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इसकी जो रूट्स होती है उसमें ट्यूबुल्स बनते हैं जो कि उसके पानी के भरे होते हैं। उसके अंदर जो है, अगर हम ज़्यादा इसको पानी के अंदर रख देंगे तो वो धीरे धीरे जो इसके गलने लगते हैं रूट्स हैं वो गलने लगती है और उससे जो प्लांट है वो डाईबैक कर जाता है। तो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल के अंदर मैंने जिस मिट्टी में इस प्लांट को लगाया है उसके अंदर मैंने 60% सॉइल जो है वो रिवर सैंड लिया है, उसके बाद मैंने 30% कंपोस्ट लिया है और 10% मैंने गार्डन सॉइल लिया है। इसके बाद अगर मैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करूं तो बहुत ही कम इसको पानी की ज़रूरत होती है। आप इसकी मिट्टी जब पूरी तरीके से सूख जाती है तब इसे वाटरिंग कीजिए, तब पानी दीजिए, तब ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा आपको, क्योंकि एक जीरोफाइटिक प्लांट है, इसको पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती। सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो ये फुल सनलाइट से लेके और ब्राइट लाइट में, इसको डार्कनेस नहीं पसंद है, लेकिन फुल सनलाइट में भी आप इस प्लांट को रख सकते हैं। और उसके अलावा जो मॉर्निंग की इसको 2-3 घंटे की धूप मिले और उसके बाद में जो है ब्राइट लाइट मिलती रहे, उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बस उन दोनों में जो है फ़र्क ये होता है कि जब ब्राइट लाइट में प्लांट रखा होता है तो डार्क ग्रीनिश कलर, ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत खूबसूरत सा, और अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप रखते हैं तो इसकी पत्तियां कुछ जली जली सी रहेंगी जो गर्मी के मौसम में, बाकी अदर जो मौसम्स होते हैं उसके अंदर ये सेम सिचुएशन रहेगी। तो जहाँ आपको जगह मिले इस प्लांट को दे दीजिए, ये आपको कुछ भी नहीं बोलने वाला। फर्टिलाइज़र अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए, केवल वर्मी कंपोस्ट फीड करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट जो सॉलिड के अंदर मिट्टी में, और उसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट जो टी होती है वो मैं इसे फीड करती हूँ। आप कोई भी कंपोस्ट इसे फीड कर सकते हैं, क्योंकि इसे नाइट्रोजन की बहुत रिच एंड जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो वर्मी कंपोस्ट से ये कंप्लीट कर लेता है। इसके अलावा आप जब भी दूसरे अदर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसका थोड़ा हिस्सा आप इसे दे सकते हैं, ये बहुत इजीली ग्रो करता रहेगा। अब देखिए, जो ये मेरा प्लांट है इसको मैं कटिंग करके इसकी टोपियारी टाइप ही बना रही हूँ, इसको मैं बुशी नहीं बना रही हूँ। एक इसका अगर प्रोपगेशन की बात करें तो देखिए, जब रूट्स जो होती है, ये देखिए इनमें से जो छोटे छोटे ये प्लांट्स हैं एक के बाद एक निकले होते हैं, तो आप जब आपको इसको प्रोपगेट करना हो तो बाहर निकल के आप इसको जितने हिस्सों में चाहें उतने हिस्सों में डिवाइड कीजिए और लगा दीजिए, बहुत ही आसानी के साथ में जो ये प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा। आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरीके से जो बड़ी ब्रांचेज है इन सभी को मैं कट कर दूँगी और मैं जो इसको है एक राउंड शेप देने वाली हूँ, और इसी तरीके से राउंड शेप में इसको बना रही हूँ। तो ये जो ग्रो है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, आपको इसको थोड़े थोड़े दिनों के ऊपर इसकी जो प्रूनिंग है वो करनी है, तभी आप इसकी जो शेप को है वो मेंटेन रख पाएंगे। तो देखिए, कर लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये जो है इसको मैंने राउंड शेप दे दिया है। आपको इसको बार बार जो है वो प्रून करना होगा, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी निकल के आती है, तो आप इसको बार बार प्रूनिंग करते रहिए। और इस तरीके से देखिए, धीरे धीरे जब मल्टीपल ब्रांचेज बनती रहेगी और इस तरीके से ये टोपियारी तैयार हो जाएगी, ये देखिए। तो ये जो है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, और जैसे जैसे, क्योंकि अभी मैंने इसको कुछ टाइम पहले से ही स्टार्ट किया है ये बनाना, तो जैसे जैसे ये बुशी होता जाएगा, इसकी एक प्रॉपर शेप बनती जाएगी, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा प्लांट। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।